कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का पालन ज्यादातर लोग कर रहे हैं। लोग अपने परिजनों के साथ घर पर रहकर अपना समय बिता रहे हैं, घर के लिए जरूरी सामान लेने निकल रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं जरूरी सामानों से कोरोना का संक्रमण होने का डर हो तो क्या हो? पिछले कुछ दिनों अखबारों और चैनलों में सब्जी वाले को कोरोना होने की खबर से लोग दहशत में हैं। कुछ लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। सब्जी वाले के जरिए कई लोग संक्रमित हुए हैं। दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और कानपुर में इस तरह के केस सामने आए हैं। कहीं आप भी तो सब्जियों के साथ ये भयंकर वायरस अपने घर नहीं लेकर आ रहे? हो सकता है कि सब्जी वाला कोरोना संक्रमित ना हो बल्कि सब्जी खरीदने वाला संक्रमित हो, या हो सकता है जो आपके साथ खड़ा होकर सब्जी ले रहा है वो संक्रमित हो। सब्जी वाले रेहड़ी लेकर आपके घर तक आते हैं, आपकी गलियों में घूमते हैं, आप बेफिक्र होकर उनसे सब्जियां खरीदते हैं। बाजार में सब्जी की रेहड़ी पर भीड़ लगी रहती है। हमारा मकसद आपको इस खबर को दिखाकर भयभीत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। हाथ सैनिटाइजर लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, सारी सब्जियां को आकर गुनगुने पानी से, ताजे पानी से धोते हैं, उन पानियों को साफ करती है, क्योंकि आज का वायरस ज्यादा फैल रहा है, इसलिए डर लगता है। क्योंकि लोग बाग उसमें आते हैं तो थूक पानी पी लेते हैं, फिर उसका पानी को भी गीला करके ना पानी को सारी सब्जियों पर डाल देते हैं, इससे डर लगता है ना कोरोना वायरस से। बच्चों को भी अपने आप को इतिहास बदलनी करनी पड़ती है हमारे को अपने आप को। अब क्या आप कोरोना के डर से सब्जी खाना छोड़ देंगे? आखिर सब्जी खरीदने के वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। जब भी आप सब्जियां लेने जाएं तो सोशल डिस्टेंस जरूर रखें। सब्जी वालों से कैश लेने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें। सब्जी वाले ने दस्ताने पहने हैं, मास्क पहना है कि नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप भी मास्क पहनकर बाहर निकलें। उसके बाद सब्जियों को घर पर लाते ही पहले उसे पानी से धो लें। उसके बाद गुनगुने पानी में नमक डालकर कुछ देर सब्जियों को उसमें रखें, उसके बाद ही घर के अंदर लेकर जाएं। इस तरह की सावधानियों से अपने परिवार को कोरोना जैसी बीमारी से आप बचा सकते हैं। सब्जी लेने में तो डर लगता है कि कहीं कोरोना हो जाए, कहीं घर में न फैल जाए बच्चों के। बस हाथ धोते हैं साबुन से कई बार दिन में। अच्छा, साफ सफाई रखते हैं, बच्चों को दूर रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। सब्जियों को गर्म पानी से धोते हैं, फिर रसोई में जब ले जाते हैं फिर एक बार फिर धोते हैं, जब रखते हैं फल भी सब्जी भी और सारी चीज़ें धो धो के ही रखते हैं।